पुंछ जिले के कृष्णा घाटी का लोहर देवता मंदिर, जो कि पाकिस्तान से महज कुछ ही दूरी पर है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल है। यहां पर सदियों से चली आ रही परंपरा को जारी रखते हुए हर साल की तरह इस बार भी बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक विशाल यज्ञ अव भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सेना पुलिस के साथ साथ मेंढर, पुंछ, सुरनकोट, राजौरी और जम्मू से लोग ने आकर बाबा जी के दर्शन किए। इस मंदिर के आसपास हिंदू आबादी न होने से इसकी देखरेख वहां के मुकामी मुस्लिम लोग ही करते हैं, जो कि उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आज के दिन बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग मंदिर में आकर प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। हजारों की संख्या में लोगों ने आकर बाबा जी आशीर्वाद प्रदान किया और लंगर ग्रहण किया। कहा जाता है कि ये मंदिर पांडवों के समय से है। इस मौका पर कमांडर कृष्णा घाटी ब्रिगेड, डीसी पुंछ, एसएसपी पुंछ भी मौजूद थे। बाहर निकल जाए, ऐसे कर दीजिए कि हमारे शरीर में कोई भी रोग हो और कभी हमारे पास ना आवे। स्मिगरी और दियो गोरी और खाली स्मिगरी दियो। हाँ जो स्मिगरी ओम आ स्थान पे जो हमारा एक साल का बुद्ध पूर्णिमा के दिन पे बड़ा दिन होता है, उस वीक सिलसिले में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हजारों की तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं, सभी धर्मों के मानने वाले, सभी तहजीबों के मानने वाले। और विशेष बात जो हमारा इंडियन कल्चर है, जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल करोड़ों रुपये खर्च किया है, उसकी विशेष बात है कि यहाँ जितने बड़े 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 स्थान पर उन स्थानों पर यही सब आपको मिलेगा। यहाँ बगैर पैसे के वो सब बातें मिलेंगी जिसके लिए गवर्नमेंट बजट रखती है, जिसके गवर्नमेंट फंडिंग करते हैं, जिससे गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री की हुई है। यहाँ मिनिस्ट्री इन्हीं लोगों की है, जैसे बाबा लोट देवता जी हैं, जैसे बुड्ढा अमरनाथ जी हैं, जैसे निगाली साहब की श्राइन है, जैसे दशमिया खड़ा है, जैसे साइमिरा की ज्यारत है। इन जगहों पर आने से हमें वो प्यार मिलता है, वो एहसास मिलता है, वो बढ़ावा मिलता है। हाँ भाई, हम सब मिलकर यहाँ कोशिश करेंगे वो जो कल्चर, वो जो विरसा, वो जो तहजीब हमारे बुजुर्ग ने हमें दी है, इसे आगे बढ़ाते हुए इस सिलसिले को बढ़ाएं, ताकि यहाँ अमर रहे, शांति रहे, भाईचारा रहे, लोग इस तरह से आपस में। यहाँ पे लोअर देवता में ये जो बड़ा दिन मनाया जाता है, और बड़ी खुशी की बात है कि जो यहाँ की इंतज़ामिया जो संभालते हैं वो हमारे सिख धर्म से हैं, और राजेंद्र सिंह जी, और उसके बाद यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख सब लोग यहाँ पे तशरीफ लाते हैं। और यहाँ आके हमें एक छोटे से इलाके में एक हिंदुस्तान दिखता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की पहचान है, हिंदू मुसलमान का भाईचारा। हम यही दुआ करते हैं और हर एक को ये बात कहते हैं कि ऐसी जगहों से हमें ये सीखना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को हमारे से ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। मज़हब अपना अपना है, धर्म अपना अपना है, लेकिन इंसान इंसान की कदर करे, इंसान इंसान से मोहब्बत करे और एक दूसरे के धर्म की इज्जत करे, यही जो है हमें हिंदुस्तान सिखाता है, हिंदुस्तान का आइन सिखाता है और हमारी परंपराएँ सिखाती हैं। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क में अमन शांति जो है वो हमेशा रहे और हिंदू मुसलमान का भाईचारा जो है वो हमेशा रहे। है कि यहाँ बाबा लोट देवता जी के स्थान में वर्ष में दो बार पूर्णिमा के उत्सव पर बहुत बड़ा मेला लगता है। वैसे तो
यहाँ ये कुछ कुंज का लगभग 50% समाज ऐसा है जिनके ये कुल देवता स्थान है, लेकिन आज ये सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं है। पिछले 30 वर्षों से यहाँ पर जो भव्य निर्माण हुआ है, मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया, यहाँ साथ में सराम बनाए गए, कमरे बनाए गए, और यहाँ पर मैं विशेष एक बात का जिक्र जरूर करूँगा, हमारे राजेंद्र सिंह जी जिनको प्यार से MVP साहब कहते हैं, उनके बड़े अंथक प्रयासों से उन्होंने एक ऐसी टीम तैयार की जिस टीम के माध्यम से यहाँ पर एक भव्य स्थान जो है वो बनाया गया, और आज आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं और देवता जी भगवान लोर देवता जी के चरणों में जो है अपनी मनोकामना जो है वो प्राप्त कर रहे हैं और अपनी जो भी उनकी श्रद्धा के सुमन हैं वो अर्पित कर रहे हैं। बोलो बाबा लोर देवता जी महाराज की जय।